नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, विकास मल्टीकैप 6 रुपये के नीचे चल रहा था, तब हमने उसे टारगेट दिया था कि 10 रुपये तक जाएगा और वो शेयर उसके बाद से 10 रुपये तक आया भी, तो 10 रुपये के ऊपर जाकर उसमें अब करेक्शन स्टार्ट हो गया। तो वो करेक्शन कहाँ तक पॉसिबल है, यानी कि वो करेक्शन कहाँ तक हो सकता है? क्या वो फिर से 5 रुपये 6 रुपये तक जाएगा या फिर थोड़े बहुत करेक्शन के साथ तो वो फिर से ऊपर 20 रुपये तक जाएगा? तो चलिए इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और एक ऐसे ही स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं जो कि पिछले 11 महीनों यानी 1 जनवरी से लेकर अभी तक का अगर उनका रिटर्न देखा जाए तो वो 300% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईस्टर इंडस्ट्री की। अगर इस शेयर की बात किया जाए जो कि 132.50 रुपये अब चल रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.25% अप पे था। अगर एक साल के रिटर्न की बात किया जाए तो लगभग 18% के आसपास का रिटर्न दिखा चुका है। एक महीने में 40% के आसपास का रिटर्न। अगर 2020 यानी 1 जनवरी से अभी तक की बात किया जाए 302% का रिटर्न, यानी 300% से ज़्यादा का रिटर्न, पैसे को 3 गुना ऑलरेडी कर चुका है ये अगर पिछले 1 जनवरी से देखा जाए तो। एक साल की बात करते हैं तो 278% की रिटर्न, 3 सालों में 248% तक का रिटर्न, 5 सालों में 66.88% का रिटर्न, वहीं 10 साल की बात किया जाए तो 68.79% का रिटर्न। यानी पिछले 3 सालों के देखा जाए तो ये शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है। तो चलिए इनके कुछ और डिटेल देख लेते हैं। तो पहले इनका फंडामेंटली देख लेते हैं। तो स्टॉक की अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो 1101.63 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि फेस वैल्यू 2 रुपये का है। कैश की बात करें कंपनी के पास तो 13.87 करोड़ रुपये कैश में पड़ा हुआ है, जबकि डेप्ट की बात करें तो 156.30 करोड़ रुपये डेप्ट है। यानी डेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिट में डेप्ट है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो ये छोटा सा एक शेयर है जो कि स्मॉल कैप है और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, यानी ये शेयर काफ़ी अच्छे खासी मात्रा में डिविडेंड भी पेड करता है, ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। पी की बात करें तो 8.37 है, यानी पी के हिसाब से देखा जाए तो शेयर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लिमिट में है। अगर पीवी की बात करें तो 2.38 का है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो ये पिछले एक साल का दिखा रहा है, तो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 1.03% का ग्रोथ रहा है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 9.58% की ग्रोथ। रिटर्न अगर इक्विटी की बात करें, ये बहुत ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है, 27.54% की ग्रोथ दिखा रहा है अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो। और डिटेल देख लेते हैं। तो बाकी और डिटेल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो दोस्तों प्लेस शेयर भी है इनके पास, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। यानी प्रमोटर्स के पास जितनी भी होल्डिंग है उसमें से 9.76% जो कि गिरवी रखा हुआ है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस शेयर के लिए। लेकिन एक पॉजिटिव भी है जो कि आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है पिछले 3 महीनों में, तो जो कि 2.31% बढ़ाई है। तो अब इस टाइम यानी करेंट में 61.45% प्रमोटर्स के पास अपनी होल्डिंग उनकी खुद की पड़ी हुई है, ये अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3 स्कीम ने इसमें अपना हिस्सेदारी लिया है, जबकि एक FIIs ने भी इंक्लूडिंग दिया है। तो ये सब मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। प्लेस शेयर हालांकि है लगभग 10% के आसपास का, लेकिन जिस हिसाब से प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं, 2 से 2.5% तक उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एक स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड भी इंक्लूड है, FIIs भी इंक्लूड हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। वहीं और डिटेल देख लेते हैं। तो इनके रिजल्ट की बात कर लेते हैं पहले। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है, आप देखेंगे जून 20 से सितंबर 20 भर में, तो आप देखेंगे कि जो नेट सेल है वो लगभग 32% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखा चुका है, तो ये अच्छी बात है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो 41% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि वहीं इंटरेस्ट की बात किया जाए तो दोस्तों इंटरेस्ट तो कंपनी का इंटरनल होता है कि वो कहीं इन्वेस्ट करता है उसके बदले में उसे इंटरेस्ट वगैरह मिला है, तो वो थोड़ा कम हुआ है जो कि लगभग 2.5% के आसपास माइनस में रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 56% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा चुका है, ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये सिर्फ 1.71% रहा है, जबकि अगर ईयरली यानी एनुअल रिजल्ट की बात किया जाए तो मार्च 20 की हम डिटेल देख लेते हैं, तो नेट सेल 1.03% का रहा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो वो 75% की ग्रोथ दिखा रहा है, और इंटरेस्ट में वही -28% रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 219% बढ़ा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी हिसाब से ये शेयर इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है क्योंकि नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 219% की ग्रोथ, वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 7.74% की ग्रोथ रही है, तो ये अच्छी बात है।
तो दोस्तों चार्ट पे डिटेल देख लेते हैं। तो लास्ट दोस्तों अगर चार्ट पे डिटेल देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा शो कर रहा है, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लाल निशान देखने को मिला था, लेकिन उसके पहले अगर डिटेल आप देखेंगे तो काफ़ी बुलिश था ये शेयर। और पिछले काफ़ी यानी पिछले कुछ टाइम से जुलाई से लेकर अभी तक का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी काफ़ी खूबसूरत है, यानी कि ये शेयर एक रेंज बाउंड के अनुसार ही काम कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्ट होता है, और उसी हिसाब से यानी एक सीढ़ी की तरह ये धीरे 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 ऊपर ही जा रहा है। और वही नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 11 महीनों में ये 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिखा चुका है। तो इसीलिए इनका जो पहला टारगेट होगा वो शॉर्ट टर्म में 150 का पहला टारगेट होगा, अगर 150 के ऊपर जब क्लोज होता है तो 165 का दूसरा टारगेट होगा। और उतनी तेज़ी से ये शेयर बहुत तेज़ी से भाग रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें शॉर्ट टर्म में तो 127 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें प्ले कर सकते हैं। शेयर काफ़ी अच्छा है, 150 तक का आपको बड़ा अच्छा ग्रोथ दिखने को मिल जाएगा। RSI की बात करें तो RSI भी काफ़ी ग्रोथ है, यानी कि काफ़ी बुलिश है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। वहीं अपने नेक्स्ट अगर बात किया जाए विकास मल्टीकैप, तो दोस्तों इनके कुछ पहले पुराने डिटेल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मॉरिशस बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट फंड की कंपनी थी जिन्होंने इसमें शेयर खरीदा था 8.30 रुपये पर। उसके बाद इस शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, आपको पता होगा 10-10.5 रुपये के ऊपर तक गया था। लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले की बात किया जाए तो निशा जिग्नेश मेहता ने सोल्ड किया हुआ है 33 लाख शेयर, यानी 35.5 लाख शेयर उन्होंने सोल्ड किया है 10.70 रुपये पे, इसीलिए उसमें इतनी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों ओवरऑल क्या दिख रहा है कि इसमें क्या करेक्शन पॉसिबल है या फिर अब ये शेयर फिर से ऊपर जाएगा? तो इसकी बात करें तो अगर 5 दिनों के EMA की बात कर लेते हैं पहले, जो कि 10 रुपये का है और 10 रुपये पर बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट भी है, ये शेयर अगर गिरता भी है तो 10 रुपये पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर सकता है 12.5 रुपये के टारगेट के लिए। और 12.5 रुपये के पे अगर क्लोज होता है तो 15 रुपये का टारगेट बहुत ही आसानी से पकड़ेगा। अगर ये शेयर 5 दिनों के EMA पे क्लोज नहीं हुआ है, उसके नीचे चला गया, तो 9.59 रुपये का दूसरा सपोर्ट है, उस पर सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग है, उस पर तो लेना चाहिए। अगर उस पर भी नहीं लेगा, क्योंकि दोस्तों ये पैनी शेयर है, पैनी शेयर में टेक्निकली कोशिश किया जा सकता है लेकिन कोई भी टेक्निकली या फंडामेंटली कोई भी एनालिस्ट नहीं काम आता है, क्योंकि फंड जब भी ऐसा होता है कि ये पैनी शेयर में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोई अगर 35 लाख खरीद रहा है तो किसी ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ऐसा होता रहता है, तो इसमें यही कन्फ्यूजन बनी रहती है। लेकिन इसमें आप अपना टारगेट अपनी प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 10 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर में प्ले कर सकते हैं तो सेव नो सेव आप कर सकते हैं। और अभी मैंने बता दिया कि 10 रुपये पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इनका सपोर्ट है, और 10 रुपये पर ये सपोर्ट लेकर फिर से आपको बाउंस बैक दिखा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माल बेचा तो गया है लेकिन सपोर्ट भी है, तो हो सकता है कि लोग माल खरीदें तो एक सपोर्ट मिल सकता है। और अगर नीचे मिलता है तो मैं ये नहीं कहता कि आप एवरेज करो, क्योंकि दोस्तों पैनी शेयर है, इसमें उतने ही पैसे इंक्लूड करें जितना आपको पॉसिबल हो सके, जितना अगर कल को फंस जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों ये टोटल दो कंपनियाँ थी जिसमें एनालाइज मेरी तरफ से था, मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू थे, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप खुद अपना एनालाइज करके तभी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।